उसको चाहते हैं कि फांसी सजा भी करना चाहते हैं, उसको उसको घर भी तोड़ते करना चाहते हैं। कई ऐसा कि हम लोग गरीब आदमी को ना चाहते रहेगा, उसको पैसा है ना, राजा है, बोलेगा हमको पैसा है तो हम लोग जो निकाल भी सकते हैं, पूछे थाना में, थाना कोर्ट में दे के पैसा निकाल, वो भी निकल जाएगा। मेरा बेटी चला गया है, उसको पीस कर दिया। उसका मम्मी, उसका मामा घर लेके वहाँ मरवाई है, वैसे खबर हम लोग को मिली है। तो हम लोग यहाँ आ गए था ना, और हम लोग को डर है कि हम लोग को भी वो लोग छोड़ेगा नहीं, एक एक करके मारेगा सब लोग को, वैसे वो लोग डरा रहा है। तो वो लोग का फांसी का सजा होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि वो लोग का घर भी जला दें। थाना में हुआ था, वो लोग लव मैरिज की है और उसको ऐसा पीस किया कि 20 गो ने ये हड्डी सब मिल गया है, टुकड़ा टुकड़े कर दिया। तो सुना आपने, एक बाप और एक बहन की ये बातें। एक बहन ने अपने बहन को खोया, एक पिता ने अपनी बेटी को खोया। ऐसा नहीं है कि इनकी बेटी की उम्र इतनी हो चली थी कि वो दुनिया छोड़ जाती, लेकिन दिलदार अंसारी ने ऐसा काम किया जिसने झारखंड में हर आम आदमी के रोंगटे खड़े कर दिए। एक एक परिवार रबीता की कहानी सुन आंसू बहा रहा है। वजह है कि दिलदार अंसारी ने रबीता को मार कर करीबन 20 टुकड़े कर दिए। दरअसल साहिबगंज में दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड के तर्ज पर झारखंड में भी एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इस हत्याकांड की कहानी ऐसा लगता है उस वक्त बुनी गई जब दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड का मामला गर्म था। साहिबगंज के रहने वाले दिलदार अंसारी ने अपनी दूसरी पत्नी रबीता के कई टुकड़े कर दिए और उसके शव को ठिकाने लगाने जा रहा था, उसी वक्त उसकी पोल खुल गई। कहा जाता है कि इसमें उसके मामा ने भी साथ दिया। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि दिल्ली में श्रद्धा वालकर हत्याकांड की सनसनीखेज घटना से एक तरफ जहां देश भर के लोग अचंभित हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड के साहिबगंज में ऐसी ही वारदात ने फिर से सबको हैरत में डाल दिया है। साहिबगंज के बोरियों में रहने वाली 25 वर्षीय महिला को उसके पति ने हत्या कर शव के कई टुकड़े कर दिए। आरोप है कि इस हत्याकांड में उसके घर वालों ने भी उसका साथ दिया। हत्या करने के बाद शव के टुकड़े को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस ने मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी, उसकी पत्नी मरियम खातून, पुत्र दिलदार अंसारी और पत्नी गुलेरा मुस्तकीम के दूसरे पुत्र अमीर अंसारी, महताब अंसारी, पुत्री सारेजा खातून को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। रूबिका पहाड़ी जो यहाँ के रहने वाली बोरियो की रहने, गोटा पहाड़ी बोरियो में रहने वाली है, वो दूसरी शादी दिलदार अंसारी जो यहाँ पर बोरियो का है, फाजिलटोला का, उसके साथ हुई। ऑलरेडी उसकी पहली पत्नी थी, इसको लेके आपसी फैमिली विवाद चल रहा था। इसी फैमिली विवाद के चलते उसको रूबिका पहाड़ी को इन लोगों ने एक साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी और लास्ट में टुकड़े टुकड़े करके आंगनवाड़ी के जो इसके थाना से 500 से दूर के है वहाँ पर। बताया जा रहा है कि मृतका 25 वर्षीय रबीना पहाड़ीन के साथ मोहम्मद मुस्तकीम के पुत्र दिलदार अंसारी का कई साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, फिर दोनों ने लव मैरिज कर लिया, जबकि दिलदार पूर्व से ही शादीशुदा था। इसे लेकर दिलदार के परिजन नाखुश थे। घर वालों की नाराजगी के कारण
दिलदार रबीता को बोरियों के संथाली के हेमंती मुर्मू के मकान में रखता था। यह मकान उसने 2000 प्रतिमाह किराए पर ले रखा था। मकान मालकिन हेमंती ने बताया कि दिलदार मकान किराया 2000 दे चुका था। युवती महज 5-6 दिन ही उसके मकान में रही थी। इसके बाद दिलदार के स्वजन रबीता पहाड़िन को अपने घर बेल टोला ले गए। बीते शुक्रवार को दिलदार की मां मरियम खातून ने रबीता को अपने भाई मोइनुल अंसारी के घर बोरियो मांझ टोला पहुंचा दिया, जहां पर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद लोहे काटने वाली मशीन से शव को कई टुकड़े कर दिए गए। इसके बाद उन शव के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। शनिवार को मानव अंग मिलने पर एसपी के नेतृत्व में दिलदार के सभी संबंधियों के यहाँ छापेमारी की गई। हिरासत में लिए गए दिलदार के परिजनों की निशानदेही पर मुख्य आरोपी दिलदार के मामा मोइनुल अंसारी के घर से हत्या में प्रयुक्त 2 हथियार बरामद कर लिया गया। वहीं मोइनुल अंसारी खुद मौके से फरार हो गया। पुलिस को मिले मानव अंश की पहचान के लिए बोरियो CHC प्रभारी डॉक्टर सलखू चंद हादसा डॉक्टर विनोद कुमार बोरियो थाना पहुंचे। चिकित्सकों ने मानव अंग की पहचान की। एक अंगुली, एक कंधा, एक कुल्हा, एक हाथ, पीठ का निचला हिस्सा, फेफड़ा एवं पेट के अंश मिले हैं। इस मामले के तार शायद देह व्यापार से भी जुड़ रहे हैं। फिलहाल आगे क्या होता है हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा पुलिस के जांच का इंतजार कीजिए।